पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर का रूप होता है, लेकिन क्या पत्नी के द्वारा अपने ही पति की हत्या की जा सकती है? कुछ इसी तरह का मामला बिहार के सारण में देखने को मिला है, जहां पारिवारिक कलह कितना घातक हो सकता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पत्नी से लगातार झगड़े और व्यवहार से परेशान पति ने उसे मायके छोड़ने की धमकी दी, तो नाराज पत्नी के द्वारा मौका देखकर धारदार कुदाल से गले पर वार कर हत्या कर दी। हालांकि इस तरह की वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हमले में इस्तेमाल की गई कुदाल को भी जब्त करने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। दिल को दहला देने वाली ये घटना बिहार के सारण जिला अंतर्गत सहाजीतपुर थाना क्षेत्र के रामनगर धरवी गांव की बताई जा रही है। काल आई तो पहले से तो मतलब तो कुछ खटपट में रहे, तो काल हमारे लड़का एक महीना से खात पियत ना रहे, घरे हम तो फोन करके गर्जियन से कहनी की जो रोजा लेकिन आके एक समझाई लोग काहे एम करती है। गर्जियन कहता रह सके हम के टाइम ये घड़ी नहीं है। चाचा एगो दार्जिलिंग रहे बनारस रहे बहुत दिन जना के रहे, हम सब बात रिपोर्ट देंगे ऐसे ऐसे बात बात डेली के रिपोर्ट देते नहीं ना मालूम लो ना अलो। एक बाद में लड़का का हमारा पहले हम बताएंगे बबू ऐसे ऐसे जब से गोल बात तब से हम करती है, तो लड़का कहलक हमारे जो ठीक बा हम कभी आवत नहीं तो पूछल जाए नहीं खेब गर्जियन आओ तब फिर हम आओ तो बुला के पूछल जाए काल हमारे लड़का आए तो मतलब कि एक से बात भूल जा जनना से पूछा पूछी आपस में पति आए जा से घंटे शाम के खाना खा के सबे सुतल बा सबे मतलब कि खा के सुत गई और सुतल के बाद में ही काम कर ले गए कौन जी सर हिमात कल से कुदार उठा ले गए। हाँ आ कुदार से जब चलावे लागल भी पिछुआ बांध ले भी साड़ी के आ कुदार चलावे भी तो आवाज़ जब मिलल बा तो आदमी जागल बैठे तो देखो तो ये तो कुदार चलावती है तो भौजाई बड़ी उन मतलब कि दौड़ के अली तो छीना छीनी कर ली तो उन्हों के हाथ काट दिल दाँत से। मृतक के पिता शत्रुघ्न रॉय ने कहा कि मेरा बेटा कलकत्ता से घर लौटा था, देर शाम को पत्नी के साथ खाना भी खाया, फिर दोनों घर के खुले छत पर सोने चले गए। देर रात अचानक पप्पू यादव जोर जोर से चिल्लाने लगा, घर वाले जब तक जगे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 बजे करीब में हम घर रही के बाद फोन गेल हमरा लगे जी कि ऐसा घटना हो गई बा हमनी आगे देखें तो स्पॉट डेथ हो गए रहे। एक बाद थाना के हम फोन करी थाना आई जी बाद थाना लाश लेके गए और औरत के भी लेके गए। मरे वाला का क्या नाम? मरे वाला का नाम पप्पू कुमार यादव। कितना उम्र हुई? 27 लिखो ले 27। मामले की प्राथमिकी मृतक के पिता शत्रुघ्न रॉय ने दर्ज कराते हुए अपनी बहू गायत्री देवी को नामजद किया है। इकलौते पुत्र की निर्मम हत्या से मां बेहाल है, वहीं घटना के बाद पिता और घर में मौजूद मृतक की बहनें भी काफी दुखी हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजित की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।